अच्छा भाई, तो इस ऐप को सबसे पहले तो चला लेते हैं हम। ठीक है जी, अच्छा भाई आ जाओ भाई। पोस्ट डॉट एम जी एस है मेरे पास, जो फाइल है दैट इज कॉल्ड पोस्ट डॉट, सॉरी नहीं, ये तो सर्वर की फाइल है ना, सर्वर की फाइल को हम बंद कर देते हैं। होम डॉट जी एस एक्स है जिसके ऊपर ये सारा का सारा मैंने जो है ना काम किया हुआ है। अच्छा, होम डॉट सी एस एस में आके मैंने क्या करना है, कुछ सी एस एस ऐसी लिखनी है जिससे ज़रा ये मेरी जो यू आई है ना ये ज़रा सही लगने लग जाए। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले इस पेज में मेरे पास है ये ऊपर जो नेविगेशन बार है, सबसे पहले तो मेरे पास ये है, लेकिन नेविगेशन बार मेरे शायद इस कंपोनेंट में नहीं है। नेविगेशन बार तो मेरे पास जो है वो है ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन बार है ना, राइट, नेव बार, दिस इज नेव बार। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐप डॉट सी एस एस खोल के, ये मेरे पास आ गया जी नेव बार लेफ्ट और नेव बार राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी प्लेन सी एस एस लगा के इसको ज़रा सेटमेट कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरे पास है जी नेव बार लेफ्ट और नेव बार राइट। तो नेव बार लेफ्ट के अंदर जो है मेरे पास कुछ लिंक्स लगे हुए हैं जिसके साथ मुझे ये बुलेट पॉइंट यहाँ पे दिख रहे होते हैं ना। तो मैंने कहा कि यार इस पे से आप क्या कर लो, एल आई के ऊपर मुझे लगाना पड़ता है ना लिस्ट स्टाइल नन। मैंने कहा कि यार लेफ्ट के अंदर जो ना आपके पास है एल आई, सही है, और उसका क्या कर दो आप लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर दो, सही है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमारा क्या हो गया, नन हो गया। अच्छा, उसके अलावा मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे, उसको थोड़ा सा स्क्वायरिश सब कुछ बटन शटन टाइप का मैं उसको बना देता हूँ, मुझे वो चाहिए होगा। हाँ भाई प्यारे बच्चों, बातें कर लो आपस में। अच्छा, इसमें मैं कह देता हूँ कि यार एल आई पे ना बॉर्डर भी लगा दो, बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, सही है जी, बॉर्डर आ गया इसके ऊपर। बॉर्डर रेडियस इस पे लगा दो यार 5 पिक्सल का, सही जी, बॉर्डर रेडियस आ गया। प्लस इस पे मैंने क्या लगा दिया, पैडिंग लगा दी मैंने, पैडिंग मुझे चाहिए टॉप बॉटम पे ज़रा कम चाहिए, तो मैंने कहा कि यार 0.3 rem और प्लस लेफ्ट राइट पे मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा बॉर्डर, तो मैंने कहा कि 1 rem। ठीक है जी, मेरे पास कुछ इस पे पैडिंग आ गई, प्लस साथ में मुझे कुछ ना कुछ मार्जिन भी चाहिए। मार्जिन मुझे जो है वो टॉप बॉटम पे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा 0, सही है जी। तो ये मेरे पास कुछ बेटर लुकिंग कुछ ना कुछ मेरे पास ये तैयार हो गया। अच्छा, प्लस इस पे मुझे अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि यार टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, ये मुझे एक्चुअली इस पे नहीं लगाना पड़ेगा, ये मुझे लगाना है एंकर टैग के ऊपर। तो इसके अंदर जो मज़ीद एक अदद एंकर टैग मुझे आएगा ना, इसके ऊपर मुझे ये लगाना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है जी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया मैंने। अच्छा, उसके अलावा आप देखें यहाँ पे ये क्या होता है कि ज़रा इस पर ये ब्लू सा एक कलर बना हुआ आ रहा होता है। ठीक है, मुझे अगर इस ब्लू कलर को ख़त्म करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एंकर टैग पर कह दूँगा कि कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, लेकिन इससे ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये विजिटेड का कलर वो नहीं हुआ मेरे पास, एक मिनट, इसको मैं सीएसएस को सिमुलेशन करके देखता हूँ। बच्चों ये देख लो गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फिर बाद में सीएसएस में प्रॉब्लम होती है इसको अगर नहीं बताओ आपको तो। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हो डॉट सी एल एस और डॉट होवर, तो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गया और मैंने बोला कि यार अभी ये इस वक्त पता है क्या है, अभी इस वक्त मैंने बोला कि ये मिसाल के तौर पे होवर हुआ हुआ है, इस पर एक्टिव हुआ हुआ है या फोकस हुआ हुआ है या ये
ये हुआ हुआ है या विजिटेड हुआ हुआ है, ठीक है, तो विजिटेड के ऊपर इस पर क्या कलर, अच्छा ब्लैक ही दिख रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ब्लैक लगाता हूँ तो विजिटेड हो या नॉन विजिटेड हो सब में वो सबको ख़त्म कर देता है, तो ये चलो एक अच्छी बात है। चलो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया मैंने इसको, ठीक है, उसको मैंने एक दफ़ा रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, सारी सिचुएशन में उसका कलर ब्लैक हो गया। अच्छा अब इस वाली साइड पे भी ज़रा कुछ देख लेते हैं हम, मुझे ये जो लॉगआउट का बटन है ना वो भी क्या चाहिए, इसी तरह का चाहिए, लेकिन ज़रा वो सॉलिड कलर में चाहिए मुझे। तो मैं इसको कैसे सेट करूँगा, मैं इसको ऐसे सेट करूँगा कि मैं पहले तो देख लूँगा कि ये है किधर। अच्छा एक और चीज़ ये कि ये जो रोल एडमिन अगर हो तो एक दूसरा नेविगेशन बार दिखता है मुझे, और अगर रोल एडमिन नहीं हो तो एक दूसरा नेविगेशन बार दिखता है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्लासेस क्योंकि बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के अंदर क्लासेस क्या हैं बिल्कुल जो है वो सेम है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम राइट के ऊपर, लॉगिन और साइनअप का जो बटन है इसके ऊपर कोई क्लास नहीं लगी हुई, तो लिहाजा क्या होगा जब मैं ऐसे लॉगआउट जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये लॉगिन साइनअप पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही होंगी, ठीक है, तो मुझे इसको भी ज़रा सेट करना है, तो मैं क्या कर दूँगा वही वाली क्लासेस यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगा, नैव बार और लेफ्ट, सही है, क्योंकि मुझे लॉगिन और साइनअप का जो बटन है वो लेफ्ट पे दिखाना है, सही, ये मैं भी राइट पे अगर दिखाना चाहूँ तो मैं उस पर राइट की क्लास भी लगा सकता हूँ। किधर गया, कहाँ गया वो लॉगिन साइनअप, अभी तो यहीं था यार, ये रहा नैव बार, और यहाँ पे मैंने कहा दिया क्लास नेम, सही है, तो वो सेम क्लासेस पे लगी तो यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई हो गई। अच्छा अगर तो मुझे चाहिए राइट के ऊपर, तो राइट की मैंने कोई क्लास बनाई हुई है क्या, राइट की मैंने कोई अलग से क्लास नहीं बनाई हुई। अच्छा राइट पे जब मैंने अलग से क्लास नहीं बनाई हुई तो मुझे दिखता कैसे है राइट पे दूसरा वाला, डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा स्पेस बिटवीन किया हुआ है मैंने, स्पेस बिटवीन होने की वजह से क्या होता है वो राइट के ऊपर मूव कर जाता है, तो अगर मुझे जस्ट इस वाले पार्ट को अगर मुझे राइट पे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे राइट की क्लास लगाऊँगा पहले, तो सही है, अच्छा राइट की क्लास लगाने से तो ये ख़त्म हो गया ना जो मैंने लेफ्ट पे अप्लाई किया था, तो मैं क्या करता हूँ इस पे से लेफ्ट को रिमूव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नैव बार के अंदर कोई भी एलआई है ना सब पे ही अप्लाई कर दो, तो ये रह गया। अब मैं बनाता हूँ एक राइट की क्लास, डॉट नैव बार ठीक है राइट, तो नैव बार जो राइट होगा उसमें क्या करवा दिया मैंने, मैंने बोला कि यार आप कर दो फ्लेक्स मेरे पास जो नैव बार है दैट इज़ अ फ्लेक्स बॉक्स ना, तो अगर किसी भी एलिमेंट पे राइट लगा हुआ मैंने उसको राइट पे करवाना है तो ये होगा कि अलाइन सेल्फ, यही होता है अलाइन कंटेंट होता है फ्लेक्स एंड, सही है, तो मैंने इसको फ्लेक्स एंड करवा दिया, तो ये फ्लेक्स एंड पे क्यों नहीं गया यार। अच्छा एक दफ़ा ज़रा एक नज़र मार लेते हैं उस पर जो फ्लेक्स बॉक्स का हमारा डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं कि अगर आइटम को मैंने लेफ्ट राइट कराना हो रिगार्डलेस ऑफ इस पेरेंट तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अच्छा एक तो अलाइन सेल्फ है जो टॉप टू बॉटम इसको अलाइन करता है, अच्छा और मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं एक चाइल्ड को डायरेक्ट लेफ्ट और राइट करवा सकूँ, ऐसा कोई आइटम मेरे पास और नहीं है। अच्छा तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ एक सर इस पर एक ट्रिकी अप्रोच कर लेता हूँ, ट्रिकी अप्रोच ये करता हूँ मैं कि बजाय उसको मैं लेफ़्ट राइट को अलग अलग करने के ना मैं यहाँ पे लॉगिन जहाँ पे साइनअप लिखा हुआ आता है वहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स लेफ्ट पे बना देता हूँ तो खुद ही वो मूव करके राइट पे हो जाएगा, सही है। मैं कहता हूँ कि यार जिस जगह पे ये बना हुआ आता है ना नैव बार में तो यहाँ पे एक और यू एल भी बना दो जिसको क्लास नेम दे दो राइट और लेफ्ट, ठीक है, और वो खाली होगा बिल्कुल, वो खाली होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा लेफ्ट वाली चीज़ इस पर अप्लाई हो जाएगी राइट वाली चीज़ दूसरी तरफ मूव कर जाएगी, सही है, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर गई और बस यहाँ से मैं इस लेफ्ट को हटा दूँगा, सही है राइट में मूव कर गई। अच्छा इस पर भी मुझे वो वाला लगाना है जो कलर ब्लैक वाला,
तो इस पर भी मैं कहता हूँ कि भाई सिर्फ रेफ पे नहीं बल्कि दोनों पे लगा दो, ये दोनों पे अप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, लॉगिन का पेज आ गया, साइनअप का पेज आ गया, और लॉगिन के पेज पे मैंने आके उसको लॉगिन कर लिया। अच्छा, लॉगिन के पेज पे जो ये बात लिखी हुई है ये भी मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने टेस्टिंग के लिए लगाई थी, इसको भी ज़रा हटा देते हैं। लॉगिन के पेज पे मैंने वो नीचे होगा ना राउट, लॉगिन के अगेंस्ट ये एलिमेंट है ना, इसके ऊपर मैंने वैसे ही वो ज़रा डिस्प्ले करवा दिया था, ये लाइन है वो, इसको मुझे हटाना था। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। इसी तरीके से मुझे साइनअप के पेज पे भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लॉगिन ज़रा मेरा क्लीन हो गया। अभी लॉगिन के पेज पे वापस आते हैं। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को सेट करना है, इन दोनों को भी ज़रा सेट कर लेते हैं। वापस ऐप डॉट जी एस एक्स पे आ जाते हैं हम, और ये जो दोनों आइटम्स हैं मेरे पास, एक तो ये हो गया फॉल्स वाला, ठीक है, ये स्प्लैश स्क्रीन हो गया। ये वाले वो दोनों बटन हैं, इस पे लगा हुआ है क्लास राइट, और क्लास राइट के अंदर एक बटन है, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ लगा देते हैं। इसको भी किसी डिव में पैक कर देते हैं ना, ताकि ये बेयारो मददगार ना रहे। इसको क्लास नेम लगा देते हैं, लॉगिन नेम लगा देते हैं। ठीक है, इसको क्लास नेम मैंने लगा दिया लॉगिन नेम। और मैंने कहा कि डॉट नेव बार के अंदर राइट के अंदर डॉट लॉगिन नेम एंड बटन जो है बटन, बल्कि इसके ऊपर मुझे क्लास नेम दे देना चाहिए एक्चुअली। सही है, लॉग आउट बटन, इसको मैंने क्लास नेम दे दिया। मैंने कहा इन दोनों के ऊपर क्या लगा दो आप, इन दोनों के ऊपर ना ये वाले आइटम सारे लगा दो। सही है, तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन ये एक के ऊपर हुआ दूसरे पे नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है। लॉग आउट बटन इसको पकड़ भी नहीं आया शायद, राइट के अंदर लॉग आउट बटन, सही तो है। इसमें से बाकी की क्लासेस हटा देता हूँ मैं, वो हमने जो ट्राई करते हुए लगाया था ना इस पर। बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ यार, मैंने दोनों पे सेम वो लगाई है, लेकिन बटन की हाइट जरा मुझे कम दिखती है और दूसरे की हाइट मुझे जरा ज्यादा दिखती है, ये चक्कर है। चाइल्ड तो वो है, लेकिन जब मैंने उसको ये बोला ही नहीं है, दोनों का फॉन्ट साइज भी सेम है, मार्जिन पैडिंग ऊपर 4x8 पैडिंग है और इसमें भी 4x8 पैडिंग। अच्छा नहीं, फॉन्ट का ही चक्कर है, फॉन्ट साइज मुझे दोनों का एक दफ़ा यहाँ पे भी मेंशन करना होगा। मैं इसको कह देता हूँ कि यार फॉन्ट जो है ना आपका, फॉन्ट साइज जो है वो 1 REM होगा आपका। ठीक है, फॉन्ट साइज का ज़रा फ़र्क था, बाई डिफ़ॉल्ट बटन के ऊपर जो फॉन्ट था ना वो ज़रा छोटा था शायद। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना मेरा, इसको मुझे ज़रा डिफरेंट कलर में दिखाना है, और इसको मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये क्लिकेबल ना लगे, और इसके ऊपर जो है ना मुझे डार्क कलर देना है इसको थोड़ा। सही है, तो आज अब इन दोनों का जो अलग वाला काम है ना वो कर लेते हैं, जो इस लॉगिन बटन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सिर्फ इसी पर करवानी है। ठीक है, मैंने कहा कि यार बैकग्राउंड कलर जो होगा ना आपका वो क्या होगा, ब्लैक होगा। अच्छा, बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा एक्चुअली,
और कलर जो होगा ना आपका वो होगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ से ये आप हटा देते हैं, ये कुछ इस तरह का मैंने कर दिया, ठीक है। इस पर स्टिल ये बॉर्डर एक शो हो रहा है, इसका बॉर्डर भी मैंने ज़ीरो कराना है एक्चुअली। इस पर बॉर्डर क्यों शो हो रहा है यार ये? अच्छा, बॉर्डर बाई डिफ़ॉल्ट वाला जो बॉर्डर होता है वो है, बॉर्डर मैंने कह दिया कि भाई ज़ीरो, सही है। तो यहाँ से बॉर्डर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और ये वाला जो आइटम है इसको भी मुझे वो बॉर्डर तो देना है, बट इसको मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये क्लिकेबल ना लगे, ये क्लिकेबल ना फील हो। तो अगर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ तो ये क्लिकेबल तो फील होगा, ये क्लिकेबल फील तो होगा। ये लॉगिन नेम करते हैं, चलो इसके साथ कुछ ऐसा। अच्छा, सबसे पहला काम तो मुझे इस पे ये करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। कैसे करूँगा मैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस, सही है। अबे नहीं, अपर केस नहीं, ये तो ईमेल लिखा हुआ है ना, ईमेल को तो मुझे लोअर केस करना होता है, ठीक है। तो लोअर केस में मैंने इसको कर दिया कि जैसा भी लिखा हुआ रहा हो डेटाबेस से या लोअर केस में लिखे। प्लस मुझे अब क्या करना है इसके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि ये ज़रा सा हाईलाइट भी हो जाए बट ये क्लिकेबल फील ना हो, ठीक है। क्लिकेबल इसको फील करवाना नहीं चाहता मैं, तो इस पर मैं कुछ कलर्स ट्राई करता हूँ बॉर्डर के, सही है। अगर मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे लगाता हूँ तो क्या होता है कि ये इस बटन से बिल्कुल मैच कर जाता है, ठीक है। तो इस बटन से बिल्कुल मैच कर जाता है तो सम टाइम ये फील होगा कि अच्छा शायद ये क्लिकेबल है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये क्लिकेबल फील ना हो, तो मैं क्या करता हूँ इसमें बॉर्डर के साथ साथ इसी कलर का बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रे, सही है। बैकग्राउंड कलर भी मैंने इसी का दे दिया। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट जो है थोड़ा सा शायद लाइट करना पड़ेगा इस केस में, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कलर जो आपका क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल वाइट ना हो, बिल्कुल वाइट करूँगा मैं तो शायद फिर भी मुझे ये क्लिकेबल लगे, थोड़ा सा डार्क रख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यार अभी भी ये क्लिकेबल तो फील हो रहा है, इसका क्या हल है, इसको क्लिकेबल फील ना कराने का क्या हल है? इसको क्लिकेबल फील ना कराने का एक और सोल्यूशन है कि मैं बैकग्राउंड कलर को ग्रे ना करूँ बल्कि मैं क्या कर दूँ, बहुत लाइट सा ग्रे कर दूँ इसको मैं, ठीक है, बहुत लाइट सा ग्रे कर दूँ। और यही कलर मैं क्या दे दूँ, बॉर्डर को भी दे दूँ। और कलर मैं इसका जो क्या कर दूँ, ब्लैक ही रहने दूँ। अब ये शायद मुझे लेस क्लिकेबल लग रहा है, अब मुझे शायद ये इतना क्लिकेबल नहीं लग रहा, इसका शायद मुझे बैकग्राउंड कलर और लाइट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना लाइट करना पड़ेगा मुझे इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब मुझे ये लेस क्लिकेबल लग रहा है, हाँ भाई सही है, ज़्यादा क्लिकेबल फील नहीं हो रहा। अच्छा, ऑन अदर एंड ये वाला जो है मुझे ये ज़्यादा क्लिकेबल फील करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये लॉगआउट का जो बटन है ना, ये भी क्या है कि ये इतना ज़्यादा क्लिकेबल फील नहीं हो रहा अभी इस वक्त, इसको थोड़ा मज़ीद क्लिकेबल फील करवाना है मैंने। तो ये मैं कैसे करवाऊँगा, इसके ऊपर मैं मज़ीद कोई ऐसा बॉर्डर दूंगा जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, जो कि वाइट भी ना हो, क्योंकि वाइट तो बैकग्राउंड से मैच करेगा, और कोई ऐसा बॉर्डर का कलर हो जो थोड़ा सा मुझे फील कराए कि हाँ यार ये क्लिकेबल चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर आगे ना ग्रे का जो ये वाला कलर है ना, इस कलर का ही इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने कहा कि ये कलर, क्या कर दिया मैंने ये, ये बॉर्डर तो नज़र ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा डार्क करते हैं इसको, स्टिल नॉट विजिबल। नहीं, ये बॉर्डर से काम नहीं चल रहा क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, एक और काम ये कर सकता हूँ मैं कि इसका जो मैंने बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ही डार्क ब्लैक किया है ना, इसको बिल्कुल डार्क ब्लैक मैं ना करूँ,
इसको मैं कोई इस तरह का कलर करूँ जो यहाँ पे जो इस तरह का कलर है, ठीक है। कलर पिकर लेता हूँ मैं, पिक कलर करता हूँ, और पिक कलर करने के बाद मैं जाता हूँ इधर। अच्छा यहाँ पे मुझे दोबारा क्लिक करना होगा google.com, पिक कलर फ्रॉम पेज, और मैंने कहा भाई ये वाला ब्लैक कलर चाहिए मुझे, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है जो पूरा का पूरा ब्लैक है उसको मैं पूरा ब्लैक ना करूँ, उसको मैं बोलूँ ये कलर दे भाई। और अब मैं जाके ज़रा चेक करता हूँ कि क्या रिपोर्ट है। अब मैं इसका बॉर्डर अगर कम्प्लीटली ब्लैक करूँ ना तो वो मुझे विजिबल हो जाएगा आई थिंक। हाउ अबाउट दिस, बिल्कुल परफेक्टली ये विजिबल हो गया और बिल्कुल परफेक्टली ये मुझे फील करा रहा है कि मैं क्लिकेबल हूँ। अच्छा अगेन ये काम हमारा नहीं होता एज अ डेवलपर, ये जस्ट मैं आपको एक 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 फ्लेवर दिया है मैंने, एक्चुअली हमारा काम नहीं होता, ये एक्चुअली डिज़ाइनर हमें करके देता है। कलर वलर सब हमें पहले से पता होते हैं कि हमने क्या लगाना है। अच्छा तो अब नैव बार हमारा सेट हो गया, अब नैव बार की हम जान छोड़ देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और हम आ जाते हैं home.jsx पे। home.jsx के साथ हमारे पास home.css मौजूद है। यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे क्या सेट करना है, सबसे पहले तो मुझे ये मेरा जो फॉर्म बना हुआ है सबसे पहले मुझे इसको सेट करना है। अच्छा इस फॉर्म में ना सबसे पहले तो ये अलाइनमेंट का इशू है कि हमारे पास ये पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी और ये फोटो, ये तीनों एक लाइन से होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले तो ये इशू है कि अलाइन नहीं हुई भी, तो इसको मैं पहले एक बॉर्डर देता हूँ जल्दी से। जो मेरा फॉर्म है इसको मैं कह देता हूँ कि यार क्लास नेम पोस्ट फॉर्म, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार पोस्ट फॉर्म, और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ यार बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक। तो ये मेरा टोटल फॉर्म है, इसको सबसे पहले मुझे थोड़ा सा पैडिंग देनी होगी ताकि ये बॉडी से बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ ज़रा दूर हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कि यार पैडिंग जो है ना वो आप दे दो 1 rem पैडिंग दे दो, ठीक है, ज़रा दीवारों से ये दूर हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि इस पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी और फोटो को, इन तीनों को एक लाइन से मुझे दिखाना है, और ये चूज़ फाइल का जो बटन है ये मुझे, और ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसको मुझे एक लाइन में दिखाना है। अब कैसे होगा ये काम? हाँ भाई कौन बताएगा ये काम कैसे होगा, CSS पढ़ी भी आप लोगों ने सबने, देखो सवाल ही नहीं पता, बातें आपस में करना बंद करोगे तो पता लगेगा ना। पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी और फोटो, इसको मुझे एक लाइन से करना है, और ये तीनों ये जो इनपुट्स हैं इनको मुझे एक लाइन में करना है, ये आगे पीछे हुए हैं इस तरह नहीं चाहिए मुझे। कैसे होगा ये काम? हाँ भाई आर यू श्योर? ग्रेड से होगा? नहीं फ्लैक्स बॉक्स पे तो होगा ना, फ्लैक्स बॉक्स से ऐसा तो नहीं, फ्लैक्स बॉक्स से हो नहीं सकता। कैसे होगा? फ्लैक्स बॉक्स से बता दो फिलहाल के लिए, ग्रेड से भी होगा मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, फ्लैक्स बॉक्स से ये कैसे होगा? अच्छा अगर मैं एक डब्बा बनाऊँ पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी और फोटो को उस डब्बे में पैक कर दूँ, और दूसरा डब्बा बनाऊँ जिसमें ये तीनों इनपुट डाल दूँ, और दोनों को ऐसे साइड बाय साइड चिपका दूँ, तो हो जाएगा ना। तो ये काम कर लेते हैं अभी। असल में मैं इस तरीके से करके आपको एक और भी चीज़ बावर कराना चाहता हूँ। अब इसका मतलब है पहला लेबल और ये दूसरा लेबल और ये तीसरा लेबल, तीन लेबल्स हैं हमारे पास, वो तीनों लेबल के आ जाएंगे एक जगह पे आ जाएंगे। इस लेबल को मैंने कट किया यहाँ ला के रखा, और तीसरा लेबल ये मैंने कट किया और इसको मैंने यहाँ ला के रखा, ठीक है। शुरू में आप लोगों का सवाल था ना कि ये लेबल हम अलग से, जब साथ साथ ही ये लेबल, तो HTML फॉर करके क्यों बता रहे हैं कि ये लेबल किसका है? अब आप देख लो ये तीनों लेबल इधर हैं और ये तीनों इनपुट इधर हैं, इस इनपुट का जो लेबल है वो कौन सा वाला है? ये जो लास्ट में जो इनपुट लगा हुआ है इसका लेबल ये वाला है, ठीक है। तो ये HTML फॉर इसलिए हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये किधर है। अच्छा इसको हम पैक कर देते हैं एक डिव में, और इस डिव को क्या नाम दे देते हैं हम? लेबल्स।
सही है, इन तीनों को इसमें पैक कर देते हैं। सही है, लेबल्स कर दिया, और दूसरा एक और डिव में बना देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इनपुट। सही है, सही है। और इनपुट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ये तीनों जो है वो आपका तीनों इनपुट्स को इसमें पैक कर देता हूँ। सही है, तीनों इनपुट्स इसमें पैक हो गए। ज़रा इसमें इसको मज़ीद अलाइनमेंट इसकी कर लेते हैं हम। सही है। अच्छा, हर लेबल के बाद भी मुझे एक बीआर चाहिए होगा ऑब्वियसली, वरना लेबल भी सारे वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये एक डब्बा है और ये नीचे वाला ये दूसरा डब्बा है। अब इन दोनों डब्बों को मुझे साइड बाय साइड लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो कंटेनर है उसको फ्लैक्स बॉक्स कर दूंगा मैं। इन दोनों का कंटेनर कौन है, ये क्लास जो है मेरा फॉर्म पोस्ट फॉर्म, तो पोस्ट फॉर्म को आके मैं बोलूँगा कि भाई आप क्या होगे, आप डिस्प्ले होगे फ्लैक्स। सही है, जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स बोलूँगा ये देखो साइड बाई साइड आ गया। लेकिन ये एक चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड है, और तीसरा चाइल्ड भी इसकी जो है ना लाइन में आके लग गया। लेकिन अब तीसरे चाइल्ड का मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तीसरे चाइल्ड के लिए मैं क्या करूँगा, एक और कंटेनर बना लूँगा। सही है, तीसरे चाइल्ड के लिए एक और कंटेनर बना लेता हूँ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सही है, एक और कंटेनर बनाऊँगा ताकि उसको पता लग जाए। ठीक है, मैंने कहा कि डिव, और इसको मैं कह देता हूँ कि सेक्शन वन है, ये सेक्शन वन। ठीक है, तो मैंने कहा कि सेक्शन वन को अब मैं बनाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अब मैं वो पूरे को नहीं बनाऊंगा। सही है, मैंने कहा भाई डिस्प्ले फ्लेक्स ये पूरा नहीं होगा, ये कौन सा होगा, सेक्शन वन जो है ना वो होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, पोस्ट फॉर्म के अंदर जो सेक्शन वन है। सही है, मैंने सिर्फ इतने पार्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया, बाकी नीचे वाले को मैंने छेड़ा नहीं है, नीचे वाला अपनी जगह पर है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जब मैं चूज़ फाइल का बटन दबाता हूँ और यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे सेलेक्ट होकर आती है, मैं चाहता हूँ ये सामने सेलेक्ट होकर आए। इंस्टेड क्या हो जाए, ये सामने, ये इतनी जगह जो खाली है यहाँ पर ये विजिबल हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ जस्ट ये, मैं चाहूँ तो इसको टॉप पे भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नीचे भी डिस्प्ले करा सकता हूँ मज़ीद, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो, क्योंकि ये जगह मेरे पास खाली है और मैं ये समझता हूँ कि इस जगह को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है। मेरे पास ये है फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है मेरे पास, फॉर्म को खोला, फॉर्म के अंदर है सेक्शन वन, सेक्शन वन के अंदर क्या है, सेक्शन वन के अंदर जो है वो ये दोनों चीज़ें हैं, ये सेक्शन वन है मेरा जिसको मैंने किया हुआ है फ्लैक्स बॉक्स बनाया हुआ है। सेक्शन वन के अंदर सबसे पहले है मेरे पास लेबल्स, उसके बाद है मेरे पास इनपुट्स, और उसके बाद मैं एक तीसरा आइटम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो कि क्या होगा, वो मेरा इमेज होगा जो कि डिस्प्ले इमेज होता है। अच्छा, वो अभी डिस्प्ले इमेज किस जगह पे मौजूद है, वो अभी टर्नरी ऑपरेटर से हिडन हुआ हुआ है, मैं इसको चूज़ फाइल करके अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो ये अब मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा सेक्शन वन है, इसके अंदर ये पहला आइटम है, इसके अंदर ये दूसरा आइटम है, और इस सेक्शन वन से बाहर ये आईएमजी लगा हुआ है, तो अगर मैं समावे सेक्शन वन के अंदर कर दूँ तो ये खुद ही सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूँगा, इस इतने पार्ट को, सेलेक्टेड इमेज को यहाँ से कट करके, जो सेक्शन वन वाला डिव है मेरा, ये मेरा सेक्शन वन वाला डिव है, इसके अंदर ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, और एज अ थर्ड आइटम मैं इसको रखवा दूँ अगर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइड पर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेरे पूरे फॉर्म को डिस्टर्ब कर लेता है। ठीक है, पूरे फॉर्म को, क्योंकि ये मेरा जो सेक्शन वन है ये वाला, तो ये सेक्शन वन की एक हाइट है, एक सर्टेन हाइट है ये। अच्छा, तो अगर तो मैं चाहता हूँ कि यार इसकी मैं हाइट उतनी कर दूँ जितनी फॉर्म की हाइट है, तो तब तो मेरा मसला ये वैसे ही सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इसकी हाइट मैं इतनी ही रखूँ और ये पब्लिश पोस्ट का बटन है मैं ऊपर लेकर आ जाऊँ, तो मुझे पब्लिश पोस्ट का बटन कहाँ लाना पड़ेगा, इस चूज़ फाइल के बाद लाना पड़ेगा। सही है, तो मैं अभी ये चाहता हूँ कि इस पोस्ट की हाइट इतनी बड़ी रहे, ये जो कार की हाइट है ना ये इतनी ही बड़ी रहे, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये इनपुट्स वाला जो डिव है मेरा, मैं इसके अंदर अगर सबमिट का बटन ला के रख दूँ, हो जाएगा मेरा मसला हल, है ना। तो अब आपने ये नोट किया इस जगह पे कि ज़रूरी नहीं है कि सबमिट का बटन फॉर्म के लास्ट में ही हो,
इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये बटन है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे कट किया, अब ये फॉर्म के दरमियान में कहीं होगा, ये इनपुट्स वाले के अंदर होगा, ये है ना इनपुट्स है ये, अब इनपुट्स में ये पहला इनपुट, दूसरा टेक्स्ट एरिया और तीसरा फाइल इनपुट, और उसके नीचे BR लगा के मैंने क्या कर दिया, ये वाला बटन रखवा दिया। अब मेरा सबमिट का बटन किधर आता है, यहाँ पे आता है, चूज़ फाइल करता हूँ मैं, बटन मेरा मूव नहीं होता अपनी जगह से, बटन फिक्स है अपनी जगह पे। थोड़ा सा मुझे शायद इसमें और मजीद स्पेस चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक BR यहाँ पे और लगा दूँगा, तो वो थोड़ा सा नीचे हो गया। बाई डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से शो होता है, मैं चूज़ फाइल का बटन दबाऊँगा, ऐसे करूँगा, बटन मूव नहीं होता अपनी जगह से, पहले बटन मूव कर रहा था, हिल रहा था अपनी जगह से, भागता था उड़ के वो, ठीक है। लेकिन फिलहाल शायद मैं ये नहीं चाहता, इस तरह भी काम करेगा ये, उसको मैं यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा और ऐसे इसको मैं लगाऊंगा, चूज़ फाइल किया हुआ, अब पब्लिश पोस्ट करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। एरर क्या देगा कि वो फाइल का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं सबमिट मारता हूँ, ये मेरे पास एरर आ गया कि भाई 403, क्योंकि फाइल जो मैंने सेलेक्ट की उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, इसमें वो 4 MB की फाइल है, हालांकि मैंने लिमिट पीछे लगाई हुई है 2 MB की, ठीक है। तो इसलिए मुझे उसने वो API हिट करने नहीं दी, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे सबमिट का बटन यहाँ नहीं चाहिए, सबमिट का बटन मुझे अपनी जगह पे ही चाहिए जहाँ होता है, सही है। जस्ट आई जस्ट वांटेड टू डेमोंस्ट्रेट कि यार इस तरह भी किया जा सकता था, ठीक है। मैंने कहा नहीं बटन तो मुझे वहीं चाहिए, बट मैं क्या करूँगा, इस इमेज को जो डिस्प्ले करवाता हूँ मैं, इसका डिस्प्ले साइज़ मैं इतना कर दूंगा कि वो इसके अंदर अंदर फिट हो जाए, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले साइज़ मुझे कितना करना पड़ेगा, आई थिंक मुझे इसका करना पड़ेगा शायद 200 पिक्सल, ठीक है। अच्छा अभी मैं विड्थ इसकी सेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कंसर्न हाइट के साथ है, तो मैं हाइट सेट करूँगा, विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। मैंने कहा हाइट इसकी 200 पिक्सल कर दो आप, ठीक है, 200 पिक्सल भी ज़्यादा है, ठीक है, हाइट इसकी 200 पिक्सल भी क्या है वो ज़्यादा है। अच्छा मेरे पास ना एक चीज़ होती है रूलर, रूलर कैसे खुलता था वो मैं भूल गया, यहाँ से खुलता है मोबाइल से, वो यहाँ पे होता है एक रूलर, रूलर से मैं नाप सकता हूँ कि क्या चीज़ कितने वाली है ना। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और अच्छा ये देखो, ये जो मेरा साइज़ है ना, यहाँ से ये गिनना शुरू करो, ये जो एक इसका यहाँ पे जो एक इसका लकीर आ रही है ना, यहाँ से 0 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 है, तो एक लकीर 10 पिक्सल की है एक्चुअली। तो यहाँ पे इस लकीर से आप गिनना शुरू करो और यहाँ इस लकीर तक गिनो तो ये कितने पिक्सल बनते हैं, उतनी हाइट है ये, सही है। इस रूलर के ज़रिए आप ये नाप सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार अच्छा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये 100 पिक्सल की हाइट बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं इसको 100 पिक्सल की हाइट कर दूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने 200 लगाया हुआ था, इसको मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। अगेन ये एक रफ़ फिगर था जो मैंने बहुत केयरफुली उसको मेजर नहीं किया, बस मैंने जस्ट वैसे ही उसको नाप लिया हाथ से ना, उसको केयरफुली मज़ीद मेजर करता तो शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी भी मेरा बटन ना हल्का सा ये मूव करता है, ये मेरा जो बटन है ये हल्का सा स्टिल मुझे मूव करके दिखाता है, ठीक है। और ये पिक्चर मेरी बहुत ही छोटी हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये सेक्शन 1 के अंदर इसको मैं नहीं रख सकता, मुझे इसके लिए कोई दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास स्टिल नीचे देखो जगह खाली है जहाँ पे पब्लिश पोस्ट का बटन आता है, मेरे पास स्टिल नीचे जगह खाली है, लेकिन उसके बावजूद ये उस जगह को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कोई दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी, बताओ भाई क्या अप्रोच करें इसके लिए। हाँ अभी असल में उसके लिए वो क्रॉपर की लाइब्रेरी मुझे चाहिए होगी, वो मैं नहीं लगाना चाह रहा अभी। वो क्रॉपर होता है असल में, वो एक ऐसे वो एरो बना हुआ आ जाता है ना प्लस वाला, और आप उसको मूव कर रहे होते हो, कहता है यार सेलेक्ट एन एरिया टू अपलोड, इस तरह कर रहा होता है। नहीं नहीं वो क्रॉपर होता है, मैं दिखा देता हूँ ना क्रॉपर कैसा है, एग्जाम्पल वो क्रॉपर होता है जो तुम कह रहे हो, वो ज़रा होता है इस स्टाइल से कि वो क्रॉपर जैसा फील नहीं कराता। ये आ गया ना क्रॉपर डेमो। अब ये लाइब्रेरीज होती हैं इसकी बहुत इजी होती है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये मैंने चूज़ फाइल का बटन दबाया, ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, वो कुछ इस तरह से बना हुआ आ जाता है। अच्छा मैं फेसबुक को अभी खोल के देख लेता हूँ राइट नाउ कि वो क्या करते हैं आजकल, आजकल वो जो भी कर रहे हैं हम उसी को मिमिक कर लेंगे।
अच्छा मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार मैंने बोला कि मुझे एक नई पोस्ट यहाँ पे बनाओ, ये एक नई पोस्ट खोल दी इसने। यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ एक, तो ये इमेज सेलेक्ट करते हुए जो क्या करता है, अच्छा इन्होंने चालाकी ये की है कि इमेज पे क्लिक करते ही वो जगह खाली कर देता है उतनी, कि अच्छा जी यहाँ पे अब ये इमेज आएगी। और मैंने बोला चलो ये आ गया इमेज। अच्छा इन्होंने क्या किया है कि बटन को मूव, ये पोस्ट का बटन मूव ना करे इसके लिए इतने एरिया को स्क्रॉलेबल बना दिया इन्होंने कुछ, जो देखो मूव, लेकिन पोस्ट का बटन मूव नहीं होने देते ये भी, जो एक्चुअल यूज़र एक्सपीरियंस की जो बात है। इसको क्लिक किया मैंने, अब ये जहाँ पोस्ट का बटन आ रहा है ना ये हिलेगा नहीं यहाँ से, नोट करना, हिला नहीं अपनी जगह से वो। तो इन्होंने इसको स्क्रॉलेबल बनाया हुआ है, इन्होंने ये जुगाड़ की है, क्योंकि विर्थ और हाइट मुझे ऑब्वियसली पता तो नहीं होगी कि इमेज जो बंदा सेलेक्ट कर रहा है क्या वो बिल्कुल ही लंबे लंबाई पे होगी इमेज में भी, ठीक है, तो मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने एक अप्रोच की हुई है, लेकिन चलो हम ये अप्रोच अभी फ़िलहाल हम नहीं करना चाहते। आपको पता लग गया कि इन्होंने किया हुआ क्या है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो इतना पार्ट है जहाँ पे फोटो होता है, जैसे ही चूज़ फाइल का बटन में, अच्छा चूज़ फाइल के बटन को इन्होंने क्या किया हुआ है, एक मज़ीद डिव के अंदर किया हुआ है कि एक मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ओहो एक मैं बटन पे क्लिक करता हूँ जब, तो वो ऐसे एरिया डिस्प्ले करता है, उसके अंदर वो चूज़ फाइल का बटन आ रहा होता है। तो इसके लिए मुझे शायद दो तीन स्टेप्स, दो तीन एक्स्ट्रा उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो शायद अभी हम शायद ना कर पाएँ इस वक्त, हमारे पास ऑलरेडी क्लास की टाइमिंग से हम 20 मिनट ऊपर आ गए। तो वेल मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, मुझे एक दूसरी अप्रोच समझ आ रही है यहाँ पे, कि मैं ये कर दूँ कि इसको सेक्शन ए को ना बिल्कुल अलग कर दूँ मैं, और ये जो सेक्शन ए है और ये जो सेक्शन, ये जो नीचे वाला है, इन दोनों को मैं क्या कर दूँ एक डिव में पैक कर दूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर दूँ एक डिव में, इतने को बिल्कुल सेपरेट कर दूँ, और इसके साथ सामने इसके एक बॉक्स और आ रहा हूँ वो उस तरह से हम करके कर लेते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं आगे हम, ठीक है। अब ये मैं ड्राइंग इसकी बना के अगर दिखाता तो शायद आपको मज़ीद बेहतर तौर पर समझ आता, लेकिन चलो बगैर ड्राइंग के ही फ़िलहाल कर लेते हैं हम इसको। तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया आपका, जो ये सेक्शन वन है ना, जो मेरा सेक्शन वन है, जो ये सेक्शन वन हो गया, उसके नीचे ये सबमिट का बटन हो गया, ठीक है। अच्छा ये इसको एक और डिव में मैंने पैक किया, ठीक है, इस डिव को मैंने नाम दे दिया क्लास लेफ्ट, और एक मैं साथ इस पर डिव बनाता हूँ क्लास राइट, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने फॉर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, मैं अपने फॉर्म को बेसिकली क्या कर रहा हूँ दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी फॉर्म शुरू होते ही सबसे पहला जो डिव है मेरे पास वो लेफ्ट है, और जो दूसरा डिव है वो राइट है। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट को फ़ौरन लेफ्ट पे अलाइन कर देता हूँ, राइट को फ़ौरन राइट पे अलाइन कर देता हूँ। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, पोस्ट फॉर्म के अंदर आता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि यार डिस्प्ले हो जाओ आप फ्लैक्स, ठीक है। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स बोलूँगा मैं, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, राइट वाला राइट पे हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कि यार जस्टिफाई कॉन्टेंट जो वो क्या हो गया फ्लैक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों साइडों पे भागाना नहीं चाहता उसको। तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाला लेफ्ट पे और राइट वाला राइट पे हो जाएगा। लेफ्ट के अंदर मुझे जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं, राइट के अंदर मुझे जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से मैं उसको उठा लेता हूँ, वो इमेज है एक्चुअली, ये सेलेक्टेड इमेज है, ये मुझे राइट पे चाहिए। सही है, लेफ्ट को मैंने बंद किया और राइट में मुझे सिर्फ ये एक चीज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब जो मेरे पास जो अप्रोच है काइंड ऑफ, मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ इसको, अब मेरे पास कुछ इस तरह की अप्रोच है कि ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म शुरू होते ही सबसे पहले है लेफ्ट, लेफ्ट में वो सारा कुछ है जो बटन वगैरह एक्स वाई जेड सब है, और राइट पे जो है मेरे पास इमेज है। अब मेरे पास क्या हो गया, थोड़ा सा ऑफसेट आ गया कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा और बड़ा कर पाऊँ, मेरे पास ये ऑफसेट आ गया। तो अब मैं इस इमेज को क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये इसकी जो हाइट है ना वो एटलीस्ट 300 कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था, ठीक है। और मेरे पास कुछ इस तरह की अप्रोच अब होगी, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं चूज़ फाइल का बटन दबाता हूँ, मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ये पब्लिश पोस्ट का बटन नहीं हिलता लेकिन यहाँ पे आ जाता है। अच्छा ये बाहर वाला जो बॉर्डर है ये मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, बाहर वाला बॉर्डर मैं हटाऊँगा, ठीक है। अच्छा लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ चीज़ें पेज की स्टिल मूव कर जाती हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट मूव करके नीचे हो जाता है, ये वाला पार्ट मूव कर जाता है, ठीक है। तो शायद मैं अभी भी इतनी बड़ी पिक्चर मुझे डिस्प्ले नहीं करानी चाहिए, इसको स्टिल में 200 कर देता हूँ, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ और भी करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या हो, ये पोस्ट अभी भी जो मूव हो रही है ना ये मूव ना हो, मे बी इसको भी मैं स्क्रॉलेबल बनाऊँ या कुछ करूँ, या पहले से ही मैं इसको इतनी हाइट प्रोवाइड कर दूँ कि ये अच्छी तरह डिस्प्ले हो सके। अभी मैं देख लेता हूँ इसकी बॉक्स की हाइट क्या है,
इस बॉक्स की जो मेरे पास हाइट है अभी वो 763 इसकी विड्थ है और 237 इसकी जो है हाइट है, तो मैं 240 इसको हाइट पहले से ही दे दूँ अगर, तो ये मूव नहीं होना था, फिर ये मूव होना सेट हो जाएगा। तो 240 में आके क्या कर देता हूँ, फॉर्म को मैं बोल देता हूँ खैर आपकी जो हाइट होगी ना वो 240 होगी, ठीक है, बल्कि इसको मैं मिन हाइट बोलूँगा कि कम से कम हाइट आपकी इतनी होनी ही चाहिए हमेशा। वह ये क्या हुआ, मिन हाइट पे काम नहीं कर रही, सिर्फ हाइट अगर बोलूँ तो अप्लाई नहीं हुआ, पोस्ट फॉर्म ही था ना नाम इसका। अच्छा 240 पिक्सल नहीं लगाया ना मैंने साथ इसकी, ठीक है, तो मिन पिक्सल भी तो लगाना होता है। तो ऑटोमेटिकली शुरू में ही इसकी इतनी हाइट आ गई, अब जब मैं इसको चूज़ करके सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पेज पे कोई भी चीज़ मूव नहीं करती और मेरी पिक्चर जो है वो गुड इनफ साइज़ में मुझे नज़र भी आ रही है, ठीक है। मेरे पास पिक्चर के अंदर स्टिल 2-4 पिक्सल हैं, एग्जैक्टली मेरे पास कितने पिक्सल हैं और जो मैं बढ़ा सकता हूँ इसके, शायद इसको मैं 320 कर सकता हूँ, ये क्या सीन है भाई, इमेज पे ये लग क्यों नहीं रहा। अच्छा, वो जब मैं वहाँ से अलग करूँगा तो वो लग रहा है। वेल, तो मैं कुछ शायद इसको और बढ़ा सकता हूँ, शायद मे भी इसको मैं 220 तक भी ले जाऊँ तो ये मेरी चीज़ें हिलेंगी नहीं पेज के ऊपर, ठीक है। 220 तक भी लेके जाता हूँ तो हिलती नहीं, मैं कोई दूसरी इमेज इस पर लोड करता हूँ जैसे कि एप्पल का लोगो, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये साइड वाला बॉर्डर अगर हटा भी दूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील, अब मुझे ये साइड वाले बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, ये साइड वाला बॉर्डर जो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगाया था अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास फॉर्म आता है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी इमेज यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ दिख जाती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं उठाता हूँ जब, तो ये मुझे इस तरह से यहाँ पे नज़र आ जाती है, राइट, ठीक है। ये एक मैंने काफ़ी अच्छी सी पिक्चर उठाई, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी मेक सेंस हो गया, काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हमने बना लिया है, मतलब 15-20 मिनट के टाइम लिमिट के अंदर अंदर। अच्छा, और मैंने अब क्या करना है, इसको पब्लिश पोस्ट का बटन दबा के मैंने कहा कि भाई दिस इज़ अ विलेज, ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ पैराग्राफ उठा लेता हूँ विलेज के बारे में, इमेज का साइज़ ज़्यादा है ये वाला। अच्छा, हम कर देते हैं पब्लिश पोस्ट, हो गया, ठीक है, दिस इज़ अ विलेज और ये नीचे पोस्ट बनी भी आ गई। अच्छा, अब मैं ज़रा इस पोस्ट की कुछ हालत को बेहतर बना लेता हूँ, ठीक है, इस पोस्ट की हालत को कुछ टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, पोस्ट वाला काम वैसे बाय द वे हम पहले कर चुके हैं, जो हमने फेसबुक की जो पोस्ट है वो पहली क्लास में बना ली थी, तो ये आप लोग सबको पता है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। वेल, यहाँ पे कुछ यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें और कुछ आपको चीज़ें मैंने बावर करानी थी कि ये लेबल अलग से क्यों होता है, तो ये CSS में आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि लेबल कहाँ, इनपुट कहाँ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हैं सिमेंटिक मीनिंग्स के अंदर, ठीक है। सबमिट का बटन भी ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म के लास्ट में हो, वो फॉर्म के दरमियान में या फॉर्म के टॉप पे भी हो सकता है वो, ठीक है, बट उसके ऊपर टाइप सबमिट लिखा हुआ है तो फॉर्म को हमेशा ये बात पता होगी कि ये बटन सबमिट किया। जी, नॉर्मल HTML में भी इसी तरह होगा, ये इसमें रिएक्ट स्पेसिफिक कोई काम नहीं हुआ है आज की क्लास में बाय द वे। हाँ, ये मैंने रेफरेंस जो दिया हुआ है ना इसमें, ये लेबल जो है ये रहा, लेबल के साथ लगा हुआ है फॉर। अच्छा, ये एट्रीब्यूट रिएक्ट में अलग है, इसको बोलते हैं HTML फॉर, प्लेन HTML होती तो उसमें सिर्फ फॉर होता बस, और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी तो सारा सीन वही है। अगर मिसाल के तौर पर प्लेन HTML में मुझे सारे लेबल इकट्ठे करने पड़ गए और इनपुट सारे किधर, मतलब लेबल यहाँ है, इनपुट इसका कहीं और है, ये नॉर्मल HTML में ये होगा केस, क्योंकि ये नॉर्मल ही HTML है, ये कोई रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ आज की क्लास में हुई नहीं है, ये नॉर्मल HTML पे जो CSS लगती है रिएक्ट पे उसी तरह हमने CSS लगाई है। हाँ, अगर हम टेलविंड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो फिर मामलात और होते, लेकिन मामलात क्या और होते, वही उसमें कॉन्सेप्ट भी सारे वही हैं, तो यही होता अल्टीमेटली, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें यार, आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।